नमस्ते विद्यार्थियों, आप सभी का प्रथम पाठशाला में स्वागत है। इस वीडियो के जरिए आज हम भारत की बहादुर बेटियों नामक पाठ पर चर्चा करेंगे। यह पाठ एक फीचर है जिसमें भारत की उन महिलाओं पर चर्चा की गई है जिन्होंने अपने अदम्य साहस और परिश्रम के बल पर भारत देश का नाम रोशन किया है। विद्यार्थियों, इस पाठ में कल्पना चावला और विजेंद्री पाल के जीवन के कुछ अंशों पर चर्चा की गई है, तो हम पहले कल्पना चावला के जीवन के कुछ अंशों पर चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों, कल्पना चावला भारत की प्रथम महिला थी जिन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया। वो अंतरिक्ष में गई और उनका जन्म हरियाणा के करनाल प्रांत में 1 जुलाई 1961 को हुआ था। उनके पिताजी साधारण व्यापारी थे जिनका नाम बनवारीलाल था और माता संयोगिता जो एक गृहिणी थी। कल्पना चावला जब कक्षा 11 में पढ़ती थी तो उस समय अमेरिकी अंतरिक्षयान बाइकिन मंगल ग्रह पर उतरा, जिससे कल्पना चावला इतनी रोमांचित हुई कि इन्होंने अपनी कक्षा की परियोजना में मंगल ग्रह को दर्शाया। कल्पना चावला ने अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ के पंजाब कॉलेज में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को अपना विषय चुना। और उस समय ऐसा होता था कि लड़के इस विषय को नहीं लेती थी तो जो उनके सहपाठी थे वो उनका मजाक उड़ाते थे, तो कल्पना चावला ने इन सब की परवाह किए बगैर वो अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ती रही और इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करने के बाद में वो अमेरिका चली गई। अमेरिका में उन्होंने टेक्सास विश्वविद्यालय से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एमएस की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद बोल्डर में कॉलोराडो विश्वविद्यालय से 1988 में उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग से पीएचडी की। उसी समय अमेरिकी अंतरिक्षयान कोलंबिया मिशन के तहत वैज्ञानिकों का चुनाव किया जा रहा था, तो 2,962 प्रतियोगियों में से कल्पना चावला को सर्वाधिक योग्य पाया गया और उनको इस मिशन का विशेषज्ञ बनाया गया। और उनको अब अपने सपने को साकार करने का समय आ गया और 19 नवंबर को वो अंतरिक्ष में गई। उस समय हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने उनको इस मिशन के लिए बधाई दी। जब पुणे 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया मिशन के तहत कनेडियन अंतरिक्ष केंद्र से वो अंतरिक्ष में गई, उनके साथ कुछ सहयोगी भी थे, उनके कुछ साथी थे, वह वहाँ पर 16 दिन रुकी और उस दौरान उन्होंने 80 प्रयोग किए। उनका अभियान सफल भी रहा। 1 फरवरी 2003 को जब वो पृथ्वी पर वापस लौट रहे थे तो उनका अंतरिक्षयान पृथ्वी से कुछ ही मिनटों की दूरी पर विस्फोट हो गया और वो नष्ट हो गया। अंतरिक्ष की यह बेटी अंतरिक्ष में ही खो गई। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे जिन्होंने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और अंतरिक्षयान मेर सेठ का नाम बदलकर कल्पना वन रखा। तो विद्यार्थियों, ये थी कल्पना चावला के बारे में चर्चा। अब हम विजेंद्री पाल के बारे में चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों, विजेंद्री पाल जो है वो हमारे भारत की पहली महिला है जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। इनका जन्म 1954 में चमोली जिले के परंपरागत पुरुष वर्चस्व वाले परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम किशन पाल सिंह था और माता का नाम हंसा देई नेगी था। विजेंद्री पाल है, इनको पर्वतों पर चढ़ने का बड़ा शौक था और वो अपने भाई के साथ पर्वत पर चढ़ने की जिद किया करती थी, लेकिन उनके भाई उनको डांट दिया करते थे जिससे उनका मनोबल और भी बढ़ा और उन्होंने पर्वतारोहण का प्रशिक्षण लेना प्रारंभ कर दिया। जब विजेंद्री पाल कक्षा 8 में पढ़ती थी तो उनके पिताजी ने इनकी पढ़ाई का खर्चा उठाने से मना कर दिया। तब उन्होंने सिलाई सीखी और सिलाई करके अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाया और संस्कृत में एमए की और बीएड किया और साथ साथ में उन्होंने पर्वतारोहण का प्रशिक्षण भी जारी रखा। 1982 में विजेंद्री पाल ने गंगोत्री ग्लेशियर व रूड़गेड़ा की चढ़ाई की जिससे उनमें आत्मविश्वास और बढ़ गया। अगस्त 1983 में दिल्ली में हिमालय पर्वतारोहियों का सम्मेलन था। वहाँ पर तेंजिंग नारगे व जुम्बे तांबी भी आए हुए थे जो कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाले हमारे प्रथम पुरुष और महिला थे। जब विजेंद्री पाल उनसे मिली तो
उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया कि वो भी इनकी तरह ही एवरेस्ट पर चढ़ेगी। 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 को एवरेस्ट पर पहुंचकर बिचेंद्र पाल ने भारत का झंडा लहराया। इनके साथ में अंगदौर जी भी थे। तो इस तरह से बिचेंद्र पाल ने भी अपने देश का नाम रोशन किया। विद्यार्थियों, हमने अभी कल्पना चावला और बिचेंद्र पाल के बारे में चर्चा की। अब हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न करते हैं जिनका उत्तर आपको सोचना है। हाँ, प्रश्न नंबर 1, कल्पना चावला कौन थी? हाँ, तो आपने सोचा होगा कि कल्पना चावला भारत की पहली महिला थी जो कि अंतरिक्ष में गई थी। अगला प्रश्न है, कल्पना चावला का जन्म कब हुआ? विद्यार्थियों, आपने सोचा होगा कि कल्पना चावला का जो जन्म है वो 1 जुलाई 1961 को हुआ था। अगला प्रश्न है, बिचेंद्र पाल ने एवरेस्ट पर चढ़ाई कब की? तो आपने इस प्रश्न का उत्तर भी सोचा होगा कि बिचेंद्र पाल ने 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 पर एवरेस्ट की चढ़ाई की। अब है अगला प्रश्न, कल्पना की दुखद मृत्यु के पश्चात भारत के प्रधानमंत्री ने क्या विशेष घोषणा की? हाँ, तो इस प्रश्न का उत्तर भी आपने सोचा होगा। इसका उत्तर है, भारत के प्रधानमंत्री ने उस समय अंतरिक्षयान मेरसैट का नाम बदलकर कल्पना वन रखा। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, आज का हमारा ये पाठ समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस पाठ को आप दोबारा देखना और अपने किताब से भी इस पाठ को पढ़ना और इसकी अच्छे से तैयारी करना। धन्यवाद।